hello everyone welcome back to my channel i hope you are doing well oh, um बहुत दिनों से आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस नहीं डाले बिकॉज uh, थोड़ा सा तबीयत खराब था सो so, वीडियोस नहीं आ पाए एंड नोट्स uh, बनाने के लिए भी टाइम लगता है तो ये मेरे अपने नोट्स हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बिकॉज बुक्स में बहुत ही क्लमजी है एंड uh, बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है सो so, उसको मैंने प्रिपेयर uh, कर दिया एंड uh, आपको नोट्स दिया है आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दिया है सो उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रिपरेशन है कौन से क्वेश्चन के लिए दैट इज़ अ सेंसिटिव

हमें कौन से पॉइंट पे थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए कि लोग उनके जो स्ट्रक्चर है उनके जो फंक्शन है जो ह्यूमन बॉडी है उसको रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम छोड़ रहे हैं एंड उसको छोड़ के जो भी बेसिक नीड होता है इंसानों का उस पॉइंट पे हम एक्सप्लेन करेंगे अब राइट right, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सबसे बेसिक पॉइंट बताऊ इस क्वेश्चन में मास्लो के जो एक्सपेरिमेंट uh, है या थ्योरी है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है आपके बुक में थोड़ा सा ना वास्ट कर दिया मास्लो का जो कंसेप्ट है वो हाफ पेज में मेंशन नहीं किया बट एक्चुअली आब्राहम मास्लो का ही थ्योरी को नीड ऑफ एक्सपीरियंस थ्योरी जो है उनका एक्सप्लेन करने से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है राइट right? तो स्टार्ट करते हैं ओके okay. पहले तो आप इंट्रोडक्शन लगेंगे कि ह्यूमन uh, नीड्स क्या है या किसके ऊपर डिपेंड करता है अब्राहम मास्लो का जो हायर की है एक uh, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है नीड बताया है लोगों का उसको हम देखेंगे वन बाय वन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे एंड लास्टली जो डायग्राम है उसको आप एग्जाम में बनाओगे ओके okay, इतना करने से हो गया फाइव स्टेप्स है फाइव स्टेप्स रिएक्शंस बोल सकते हैं अब हम मास्लो का इतना ही करना है सो चलते बेसिक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ह्यूमन लाइफ बेस्ड ऑन सम नीड्स ह्यूमन लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सो ह्यूमन लाइफ बेस्ड होता है सम नीड्स के ऊपर फॉर डे टू डे लिविंग वी नीड सम बेसिक थिंग्स फॉर आवर सर्वाइवल दैट मींस वी नीड सम फूडShelter हैबिटेट और सम बेसिक कंपल्सरी क्लॉथ फॉर आवर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी एटसेट्रा तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग उसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेंस के अकॉर्डिंग हम डिपेंड करके एक्सप्लेन करने वाले बेसिकली दीज कॉमोनालिटीज ये जो कॉमन थिंग्स है दैट इज कॉल्ड द कॉमोनालिटीज जो बेसिक थिंग्स होते हैं ये जो कॉमन थिंग्स है उसके लिए हमें क्या चाहिए हम डिपेंड करते हैं मोटिवेशन के ऊपर भी डिपेंड ऑन मोटिवेशन एंड दिस इज अस्ट एक्सप्लेन बाई अब्राहमो एंड उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया है अब्राहमास ने अब्राहमास हायर की वो एक ह्यूमन सोशलिस्ट uh, हैं बोल सकते हैं और ह्यूमन रिसर्चर्स हैं बोल सकते हैं वो लोगों के नीड के अकॉर्डिंग जो पब्लिक नीड्स है और द ह्यूमन नीड्स हैं इंडिविजुअल्स की नीड्स हैं उसी के ऊपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है सो अब्राहम मासलोस हायर की ऑफ नीड्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये बोला जाता है कि ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में बेस्ट नोन थ्योरी है बिकॉज मोटिवेशन का बहुत सारे थ्योरीज हैं उसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है. उसके लिए जो चीजें चाहिए वही हमारा मोटिवेशन है जिसके ऊपर हमारा एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ के जो भी एक्टिविटीज है वो डिपेंड करता है इट इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाई ए पिरा क्या होता है ना हम जब भी एक पिरामिड बनाते हैं तो ईजी चीज को हम टॉप में रखते हैं बट यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट चीज को हम टॉप में रखेंगे एंड ईजी को हम सबसे एंड में रखेंगे दैट इज एट दॉटम में ओके okay? So सो so, यहाँ पे हमने क्या किया हमने इजी को रखा बॉटम में एंड टॉप में रखा डिफिकल्ट थिंग्स को या कॉम्प्लेक्स नीड्स को सो so, क्लियर कर देते हैं आफ्टर दैट चलते हैं सो व्हाट इज मास्लोज हायर की ऑफ नीड्स मास्लो के हायर की ऑफ नीड्स का मतलब क्या है अब्राहम मास्लो फर्स्ट इंट्रोड्यूस द दंसेप्टरकी ऑफ ऑफ नीड्स इन हीज नाइनटीन पेपर टाइटल ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन अब्राहम मास्लो ने अपना जो ह्यूमन नीड्स का कंसेप्ट है और उनका जो हायरकी का प्रोसेस है वो हायरकी ऑफ नीड्स के बेसिस पे फिजियोलॉजिकल नीड्स के ऊपर उन्होंने 1943 में इन द ईयर ऑफ 1943 पब्लिश्ड अ अ बुक नेमड uh, पेपर टाइटल और पेपर नेम मेंशन कर सकते हैं और बाय नेम लिख सकते हैं ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन सो so, इस पेपर का नाम क्या रखा गया थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन

क्या होता है कि मोटिवेशन चाहिए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के कर लिए अपने लाइफ में जो भी आपके बेसिक नीड्स होते हैं ना उसको फुलफिल करने के लिए भी आपको कुछ क्या चाहिए मोटिवेशन चाहिए कि आप एक आ, बेसिक फील्ड में अपना जो भी नीड है उसको फुलफिल कर लिए आफ्टर दैट वहाँ पे जब आप सक्सेसफुल हो जाते यू यू आर मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट लेवल और दो कम्प्लेक्स लेवल पे आप मूव करते होते तो जब घर मिल गया देन मुझे एक अच्छा सा जॉब चाहिए मैं अपने घर को मेंटेन कर सकू अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकू वो जब फुलफिल हो गया कि उससे बेटर मैं कर सकू इसलिए मुझे कुछ और बड़ा करना है तो ये होता है मोटिवेशन ठीक है उसी के अकॉर्डिंग हमारा नीड्स भी चेंज होता है सो so, मास्लो के जो साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म जो भी पॉइंट्स थे दैट इज देखो ये सारे जो पॉइंट्स ना वो ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए सो ह्यूमन बींग्स को जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो हम क्या मिलेगा कि उनका बिहेवियर कैसा है उनका जो वे ऑफ थिंकिंग कैसा है तो उसी के ऊपर मास्लो बिलीव दैट पीपल हैव एन इनबॉर्न डिज़ायर मास्लो ने बिलीव क्या किया लोगों के पास ना इनबॉर्न डिज़ायर है बाय बर्थ ये डिज़ायर मिलता ही है जब बड़ा होंगे जब सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होगा कि मैं एक्चुअली क्यों बॉर्न क्या हूँ बर्थ मैं क्यों अर्जेंट हुआ हूँ या फिर अर्थ पे आया हूँ एंड उसके थ्रू मुझे क्या फुलफिल करना है तो ये चीज़ जब आप डिसाइड कर ले तो आपके समझ में आ जाता है देन हम रेडी हो जाते कुछ भी करने के लिए टू अचीव दिस अल्टीमेट गोल इसी गोल को फुलफिल करने के लिए हम नंबर ऑफ बेसिक नीड्स को क्या करना चाहते हैं मिट करना चाहते हैं जस्ट लाइक मुझे ये चीज चाहिए तो ये मेरा ड्रीम है या फिर मेरा गोल है यहाँ तक मैं पहुंचूंगा सो दिस इंक्लूड्स ये जो बेसिक नीड्स है क्या है फूड है सेफ्टी है लव एंड सेल्फ स्टेम खुद को जानना खुद के रेस्पेक्ट को मेंटेन रखना लव सबसे लव चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ा सा हमें चाहिए रहता है हम बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स पे एंड फूड फूड नहीं होने से इंसान कुछ करने के लिए भी मोटिवेटेड नहीं होगा सो मास्लोस के जो पॉइंट्स हैं ये मास्लोज हायर की ऑफ नीड्स हैं स्टार्टिंग एट द लोएस्ट लेवल नोन एज द फिजियोलॉजिकल नीड्स हम अभी स्टार्टिंग करेंगे बॉटम लेवल से जो लोएस्ट लेवल है सबसे वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स वहाँ से हम जाएंगे वहां से हम प्रोसीड करेंगे तो पहला स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स तो फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स बॉडीली नीड्स बोल सकते हैं फिजियोलॉजी हमारा बॉडीली जो भी नीड्स

ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशंस एयर टेम्परेचर रेगुलेशन फिजियोलॉजिकल नीड्स आल्सो इंक्लूड सच थिंग्स एज सेल्टर क्लॉथिंग सो हम इसमें अपना खाना तो इसमें जोड़ दिए कि मुझे न्यूट्रिशंस चाहिए बिकॉज मुझे भूख लग रहा है मैं अगर न्यूट्रिशन uh, नहीं लेता हूँ तो मैं मर जाऊँगा या फिर मैं जिंदा नहीं वी कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल सो उसको छोड़ के एयर चाहिए फॉर ब्रीदिंग बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव इन द और लिव without air also we 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 cannot 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 breathe, breathe or we cannot tolerate anything, so death हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे फिर तेम्परेचर, तेम्परेचर हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है हमारा जो हमारा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर है उसको रखता है, ये सबको छोड़ के भी दो चीज और भी चाहिए सेल्टर घर चाहिए या और रहने के लिए छत चाहिए एंड क्लॉथिंग क्लॉथिंग कपड़े भी चाहिए विदाउट क्लॉथिंग हम सिविलाइज्ड uh, हो चुके हैं तो विदाउट क्लॉथिंग हम रह नहीं सकते ऐसा है सो मास्लो इंक्लूडेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस लेवल ऑफ हायर की एज वेल सिंस इट इज एसेंशियल टू द सर्वाइवल एंड प्रोपागेशन ऑफ द स्पीसीज इसके साथ मास्लो ने और एक एक्स्ट्रा पॉइंट को जोड़ा है दैट इज अ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बिकॉज रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि से हम करें अपने को उससे होंगे हमारे और एक जगह से हम दूसरे जगह मूव कर सकते हैं जितना पॉपुलेशन उतना ज्यादा एरिया को कवर किया हमने ऐसे होता है तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया आई थिंक अभी चले नेक्स्ट स्टेप मतलब हम थोड़ा ऊपर लेवल को जा रहे हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स सो सेफ्टी नीड्स पे एज मूव अप टू द सेकेंड लेवल बॉटम से हम जा रहे तो ये लेवल है नीड स्टार्ट बिकम ए बिट मोर कम्प्लेक्स यहाँ पे थोड़ा सा कम्पलेक्सिटी बढ़ेगा एट दिस लेवल द नीड्स फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बिकम प्राइमरी अभी ये बहुत ही बेसिक हो गया मतलब ये प्राइमरी नीड है ये नहीं हुआ तो हम Uh, मतलब कुछ नहीं कर सकते हमें बहुत डर लगेगा या फिर इनसिक्योर हम फील करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पीपल वांट कंट्रोल एंड ऑर्डर इन देयर लाइफ वो जो भी इंसान है ना अपने लाइफ में एक बेसिक टेम्पो चाहते हैं जस्ट लाइक सिंक्रोनाइज वे में हर एक पार्ट हो जाए हर एक लाइफ स्टाइल में आप सिंप्लिसिटी चाहते हो सिंपल वे में सिंपल स्टेप्स में सब कुछ कंप्लीट हो जाए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो एंड ईच पॉइंट्स पे आपको जो चाहिए वो मिल जाए दैट इज सिक्योरिटी लेवल्स पॉइंट तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी देन हेल्थ एंड वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस हमेशा हम बोलेंगे कि पैसा रहे एंड हमें हेल्थ के लिए हम ध्यान ना दें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी ये सबसे बड़ा होता है इसलिए हम इंश्योरेंस बनाते हैं एंड इसी के अकॉर्डिंग हम अपने एक्सीडेंट और कुछ भी होने से हम प्रोटेक्शन के बेसिस पे क्लेम करते हैं कि हमें ये चाहिए फाइंडिंग ए जॉब जॉब सिक्योरिटी बहुत होना चाहिए अभी हम जो क्राइसिस में स्ट्रगल कर रहे हैं या क्राइसिस में है उसी के पॉइंट के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ केयर

हम एक जैसे हैं हम एक दूसरे को लव करेंगे एफेक्शन करेंगे एक दूसरे के लिए केयर करेंगे उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम किसी को भी एक्सेप्टेंस करते हैं और रिजेक्ट करते हैं और एक जैसे है तो उसको रेस्पेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर हम समझ रहे हैं तो ह्यूमन बिहेवियर में क्या मैंशन किया जाएगा जो ह्यूमन बिहेवियर है जस्ट लाइक दे नीड ग्रुप ऑफ पीपल हु लव दच एंड हु Without family, without friend, or without a community, we cannot survive in the world because we are just like alone, feel alone without them. तो उनके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें कभी कभी फ्रेंडशिप भी चाहिए रोमांटिक अटैचमेंट भी चाहिए फैमिली चाहिए सोशल ग्रुप्स कम्युनिटी ग्रुप्स चर्चेस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ये सारे पॉइंट्स तो चाहिए बिकॉज हम इंसान हैं कभी कभी हम ये प्रॉब्लम्स को एवॉइड भी करना चाहते कौन से प्रॉब्लम जस्ट लाइक डिप्रेशन एंजाइटी लोनलीनेस

थर्ड पॉइंट था अभी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। एस्टीम नीड्स ये फोर्थ लेवल मास्लोस के हायर की है हायर की नीड्स के फोर्थ पॉइंट है ये अप्रिशिएशन एंड रेस्पेक्ट के लिए आपको तैयार करता है

Important to gain the respect and appreciation of others. आपको ना काम जाते हो जॉब करते हो ना जॉब मिल गया सिक्योरिटी तो मिल गया ना अभी सब कुछ मिल गया फ्रेंड्स है सब कुछ है अभी आप क्या चाहते हो आपका दिमाग चाहता है की मैं जॉब में बेस्ट होके दिखाऊ सब मुझे बहुत ही रेस्पेक्ट दे अप्रिशिएट करे अपने वर्क के लिए आप उस लेवल तक अकम्पलिस करना चाहते हो अपने थिंग्स को अपना एफर्ट्स को शो करना चाहते हो लोगों के थ्रू उस एफर्ट्स को दिखाना चाहते हो कि दिस इज माई एफर्ट एंड डोंट डोंट वेस्ट इट और स्मैस्ट इट बिकॉज आई एम लिविंग हार्ड फॉर दिस और आई एम गेटिंग दिस बाई माई लिवर हार्ड और हार्ड लिवर सो so, ये जो पॉइंट्स रहता है कि इसको हम एकम्प्लिश क्यों करना चाहते क्योंकि ये हमें प्रेस्टीज देगा हमारा जो सेल्फ है हम जो चाहते हैं अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरा कोई वजूद है हम कोई एक एंटिटी है या फिर हमारा कोई नीड है वो सारे फुलफिल होते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम एंड पर्सनल वो पीपल नीड टू सेंस दैट दे आर वैल्यूड बाई अदर्स यहाँ पे लोग चाहते हैं कि उनको वैल्यू मिले उनको उनके ओपिनियन को कोई समझे उनके ओपिनियन को ले कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लिए उसको समझे पार्टिसिपेशन है डिफरेंट प्रोफेशनल एक्टिविटीज में उसको समझे एकेडमिक परफॉर्मेंस टीम पार्टिसिपेशन जो भी उनकी हॉबीज है उसके थ्रू जो उनका कंट्रीब्यूशन है लोग समझे ओके okay? अभी लास्ट में चलते हैं ठीक है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अभी लास्ट आ गए एट वेरी पिक ऑफ मास्लोस हायर की ये सबसे ऊपर है टॉप मोस्ट लेवल पे है सेल्फ एक्चुअल पीपल आर सेल्फ अवेयर जो अवेयर रहते हैं हमेशा जागरूक रहते हैं ये कंसर्न रहते हैं अपने ग्रोथ के लिए पर्सनल ग्रोथ लेस कंसर्न विद द ओपिनियन ऑफ अदर्स ये लोगों के ओपिनियंस पे डिपेंड नहीं करते खुद के ओपिनियंस पे डिपेंड करते हैं न बी ही मस्ट बी so जो इंसान चाहता है वो खुद से कर सकता है ही मस्ट बी वट ए मैन कैन बी ही मस्ट बी मास्लो एक्सप्लेन रेफरिंग टू द नीट पीपल है

दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग जो जितना कर सकता उतना करे दे आर पीपल हु है आर डेवलपिंग टू द फुलचर ऑफ विज दे कैपेबल जितना वो कर सकते हैं जितना उनका कैपेबिलिटीज है उसके आकार से वो बना सकते हैं कुछ भी कुछ भी डेवलप्ड कर सकते हैं right? राइट उसके अकॉर्डिंग ना इसको थोड़ा सा इजी करके यहाँ पे लिखा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स जो है ये टू टाइप्स के एक है डेफिसियंसी नीड्स एक है ग्रोथ नीड्स डेफिशियंसी नीड्स हो गया जो ऊपर के पॉइंट से दैट इज फिजोलॉजिकल सिक्योरिटी सोशल एंड एसटीम नीड्स को हमने डेफिशियंसी नीड्स बोला जो कि बहुत जरूरी है और लोअर नीड्स है ग्रोथ uh, नीड्स होता है जहाँ पे ये अपर पॉइंट पे है दैट इज हाइस्ट लेवल ऑफ पिरामिड दैट इज अ ग्रोथ नीड एक्चुअलाइजेशन यहाँ पे पोटेंशियलिटीज के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं उसके ऊपर है तो ये डायग्राम देख लो ओके सो यहाँ पे ना मैंने कलर डिपिक किया है तो ऑरेंज कलर ये सबसे बॉटम लेवल पे आता है ये बॉटम है बॉटम में आपका क्या पॉइंट है दैट इज अ बॉटम लेवल तो बॉटम लेवल पे फिजियोलॉजिकल हेल्थ फूड स्लीप सेल्टर रिप्रोडक्शन ये सारे आ जाएंगे देन बॉटम uh, लेवल के ऊपर येलो के बाद ऑरेंज है ऑरेंज में सेफ्टीमीटर्स के अकॉर्डिंग जो सेल्टर है रिमूव फ्रॉम डेंजर एटसेट्रा बिलोंगिंगनेस सोशल नीड्स जो और भी एक्स्ट्रा है दैट इज द लव एफेक्शन बीइंग ए पार्ट ऑफ ग्रुप कोई भी ग्रुप का पार्ट बनना किसी के साथ मैरिज करना है एटसेट्रा देन नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम दैट इज ये होता है कि रेस्पेक्ट नीड करना फ्रॉम द अदर्स एंड लास्ट वन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसके थ्रू आपके पोटेंशियलिटीज को आप दिखा रहे हो ओके आई होप इतना समझ आया हो इतना ही है बेसिक चीज आप लोग देखो एंड अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर दो इफ दे नीडेड आल्सो सो ये इतना पॉइंट है इसको इतना ही लिखना फुल मार्क्स मिल जाएंगे कोई डिफिकल्टीज नहीं है बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा इसको कर लो इसके अकॉर्डिंग सीटेड ओटेड में भी हो जाएगा एंड ये इम्पोर्टेंट भी है तो ये चलते हैं कैसा लगा वीडियो तो so मुझे कमेंट करके बताना एंड लाइक uh, like कर देना थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून